वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स. सो एज यू नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू क्लासेस वी आर कंटिन्यूअसली सॉल्विंग सम सैम्पल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग. नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट बजट. ओके सो वी विल डू सेवरल क्वेश्चन सेवरल MCQs रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल सॉरी वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं. कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डज अफेक्ट दी विच अफेक्ट दी असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ दी गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट की असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस को क्या करता है वो अफेक्ट करता है. ठीक है तो इनसे फोर ऑप्शन हैं आपको हैव टू सी विच वन इज द व्हाट द कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ वॉरंट्स. ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइन्स. ऑप्शन सी स्ट्रीट लाइट. ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट डन एब्रॉड. ओके ये आपका 13 नंबर. एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है तो देखो रिपेमेंट ऑफ द बोरिंग्स बोरिंग को रिपे करना कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेट्रो लाइन्स मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना एंड इन्वेस्टमेंट डन एब्रॉड. जो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है एब्रॉड. तो आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट के अफेक्ट करते हैं. तो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है बोरोइंग कर रही है बोरो करिए उसको रिपे करना है तो ये उसके असेट एंड लाइबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेट्रो लाइन्स मेट्रो लाइन का भी कंस्ट्रक्शन उसका क्या है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी है क्योंकि मेट्रो लाइन ये भी गवर्नमेंट के असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है. फिर इन्वेस्टमेंट जो भी वो कर रही है इन्वेस्टमेंट जो भी कर रही है ठीक है इन्वेस्टमेंट भी जो अब्रॉड में हो रहा है इट इज़ ऑल्सो दी कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइट जो क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ द रिकरिंग एक्सपेंडिचर ये हमेशा ही हो रहा है. तो ये क्या होता है दिस वन इज मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइट वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है जो एग्जाम्पल नहीं है. ओके सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. The question is
जिससे टॉपिक होंगे। ऑप्शंस आर गिवन हियर। यहाँ पे पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा टैक्स रिसिप्ट गवर्नमेंट का है। आपको याद होगा दैट इज गवर्नमेंट का हमने पढ़ा था बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। सो बजट रिसिप्ट में क्या क्या थे आइटम्स थे, बजट रिसिप्ट में आइटम्स थे दैट इज द टैक्स रिसिप्ट और द नॉन टैक्स रिसिट, ओके, रेवेन्यू रिसिट एंड द कैपिटल रिसिट। सो रेवेन्यू रिसिट्स में आर दोज रिसिट्स विच डू नॉट अफेक्ट द असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें दो आते थे आपके टैक्स रिसिट और द नॉन टैक्स रिसिट। टैक्स रिसिट्स वो सारे रिसिट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेसिकली जिसका इंसिडेंस या जिस पे भी अगर किसी भी इंडिविजुअल पे ये इम्पोज होता है तो हम वो किसी और इंडिविजुअल पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जिस पे ये इम्पोज है वही इंडिविजुअल क्या करेगा, ही और शी इज़ द लाइबल टू पे ऑल दी डेट्स, वही क्या करेगा, वही इंडिविजुअल सारे डेट्स को पे करेगा, ठीक है, ओके। तो इसमें से क्या आ गया, तो आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स रिसिप्ट में, टैक्स रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और द इनडायरेक्ट टैक्स। तो यस, टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट विच इज एनी इंडिविजुअल हैव टू पे। तो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स जिस इंडिविजुअल पे वो टैक्स इम्पोज है, ही और शी ओनली लाइबल टू पे दी ऑल दी टैक्सेस, ठीक है। और नॉन टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स जिसमें हम लोग जिस पे भी इम्पोजिशन है या इंसिडेंस है वो हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल उसके लिए लाइबल नहीं है कि वो सारे इसको पे करेगा, ही वो किसी और पे भी इसको शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो इस केस में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स जिसमें आ जाते हैं आपके बेसिकली आते हैं इसमें डायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया आपका, वेल्थ टैक्स हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पूरे आ जाते हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, फिर आपका GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारे आपके टैक्स के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपका आता है नॉन टैक्स रिसिट्स में क्या क्या आ जाते हैं, मतलब वो जो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में नहीं मिल रहा, जैसे फाइन एंड पेनाल्टीज़ के थ्रू, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, या गवर्नमेंट की इनकम हो रही फ्रॉम प्रॉपर्टी, फॉर फीचर ऑफ दी बॉन्ड्स या एस्टेट, ये सारे गवर्नमेंट के क्या हो जाते हैं, दीज ऑल आर दी सम सोर्सेज ऑफ दी नॉन टैक्स रिसिट। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ टैक्स रिसिट ऑफ दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इसमें से टैक्स रिसिट कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे कौन है, दैट इज ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज हियर,
वर्ल्ड बैंक, इज एन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ capital receipt. Option C, revenue expenditure. Option D, capital expenditure. ये दे रखा है ना, तो कह रहा है कि अगर लोन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो लोन कहाँ से ले रही है, लोन फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से बैंक कंट्री क्या कर रही है, लोन ले रही है, लोन फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक. सो ये क्या है, रिसिट है, रिसिट में भी रेवेन्यू रिसिट है और दी कैपिटल रिसिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दी कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो देखिए लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से अगर एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, इंडिया क्या कर रही है, लोन ले रही है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिसिट हो गया, हमें यहाँ पे मिल रहा है, बट रेवेन्यू हो गया, रिसिट हो गया, बट वी आर ऑल्सो लाबल टू पे ऑल दीज फंड अलॉन्ग विद दी इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ हमें पे भी करना है ना, क्योंकि हम लोग उस पर क्या है, लोन दे रहे हैं, तो लोन पे इंटरेस्ट भी पे करेंगे. तो वो सारे जो असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे कैपिटल होते हैं, और जो असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते वो रेवेन्यू. तो रिसिट तो यहाँ पे हो गया, तो इनमें से कौन सा रिसिट होगा, दैट विल बी दी कैपिटल रिसिट, बिकॉज कैपिटल रिसिट आर दोज रिसिट विच अफेक्ट दी असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ दी गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के असेट और लाइबिलिटी स्टेटस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल रिसिट्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकॉनमी एज अ होल. रीजन है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट.
ओके ना, इसमें ऑल्टरनेटिव्स दिए दे रखे हैं आपके भाई ए ऑप्शन बी बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट explanation of assertion option C assertion is true but reason is तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि जैसे ही जो वैल्यू है फिस्कल डेफिसिट की वो ज़्यादा होगी, इट क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकॉनमी एज अ होल। वो पूरी इकॉनमी के लिए क्या कर देगा, एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा। अलार्मिंग मतलब ये शो कर देगा कि ये डेंजरस सिचुएशन किसी भी इकॉनमी के लिए हो गई है, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू ज़्यादा होगी, सो इट क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकॉनमी, इकॉनमी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये तो हमें लग रहा है अजर्शन इज राइट, यस, कि अगर जैसे ही फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा इकॉनमी के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। फिर कह रहा है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट, जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोरोइंग्स कह देते हैं। वो ये बताता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को ही बताता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब क्या करना है, ज़्यादा बोरोइंग करना है, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज बिकम्स द मोर देन द रेवेन्यू। ओके, तो अब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग्स को लेना पड़ेगा। बोरो करना पड़ेगा कहाँ से, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से ही क्या करेगा, वो बोरो करेगा। तो इससे हमें क्या लग रहा है कि यस, तो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, अजर्शन। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द मैच ऑफ द फॉर्मूला. ओके, मैच द फॉर्मूला, कॉलम वन एंड कॉलम. Payment of old age pension. Option D, disinvestment. इधर दे रखा है कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर क्या कह रहे हैं. ओके, ए क्या है ए का थर्ड बी का सेकेंड सी का फोर्थ डी का वन. ऑप्शन बी ए का टू बी का वन सी का थर्ड डी का फोर्थ. ऑप्शन सी ए का थर्ड बी का सेकेंड सी का वन डी का फोर्थ. ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको क्या है दे रखे हैं, आपको इसी में से आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, ओके. अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या होता है. इनकम टैक्स दिस इज द रिसिप्ट, ये तो हमें पता है इनकम टैक्स इज द रिसिप्ट होता है. ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या होता है, रिसिप्ट होता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट. ए का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग अब्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, आपका हो गया इन्वेस्टमेंट करना, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी द एक्सपेंडिचर. सो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड हो रहा है आपका, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है इट अफेक्ट्स द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल हो रहा है. तो सेकेंड पेमेंट ऑफ द ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस विल बी
दिस विल बी द एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिस इन्वेस्टमेंट. डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग सेल कर रहे हैं किसको, पब्लिक शेयर्स को टू दी प्राइवेट. तो ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो द रिसिप्ट बट इट अफेक्ट द असेट स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. सो डी का वन. अब देखिए ए का थ्री का कौन सा, ए और थ्री. बी का टू, बी का टू ये. सी का फोर. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.